बेटा में बीते रात को जगदम्बा स्थान के समीप ट्रक के जोरदार टक्कर से स्कॉर्पियो गड्ढे में जा पलटी, जिससे स्कॉर्पियो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मिल रही जानकारी के अनुसार अमरेश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ भीटा से करौटा स्थित माता रानी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की तस्वीर सामने आने के बाद यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि गाड़ी की रफ्तार काफ़ी अधिक रही होगी, जिससे यह हादसा हुआ। इस भयावह घटना की जानकारी आम लोगों और स्थानीय पुलिस को भी सुबह पर मिली। आपको बता दें, जो है घटना जो हुई है वो पूरा घटना जो बेटा की है, जहाँ पे माता के दर्शन करने जा रहे थे लोग, जो इस दौरान ये हादसा हुआ। कहीं ना कहीं जो है तेज़ रफ्तार की वजह से ये घटना घटी है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह से पूरे बिहार से खबरें आ रही है एक्सीडेंट की, लगातार तेज़ रफ्तार की वजह से घटनाएँ हो रही है। ये जो है ये बेटा की खबर है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मृत्युंजय जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, जो कब की घटना है, कब या सुबह में हुई या फिर कब की ये घटना है? हाँ, मैं बता दूं कि घटना तो कल रात की है, लेकिन इतनी रात की थी कि किसी को पता नहीं चलता। लोग सुबह देखा कि एक गाड़ी स्कॉर्पियो दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें 3 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जी, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका मृत्युंजय बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूँ कि पूरा जो मामला है बेटा की है।